जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोग को बस 5 टिप्स देने वाला हूँ। इसी 5 टिप्स को लेकर आप लोग आराम से डिफेंस की नौकरी कर सकते हैं। इसी 5 टिप्स में आप चाहे पुलिस की नौकरी हो, चाहे आर्मी की हो, चाहे नेवी की हो, चाहे कोई पैरामिलिट्री फोर्स की हो, आप लोग इजीली भर्ती हो सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आखिर तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी जमीन महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, ठीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस मुंह से निकल के खून कहे। दोस्तों, फिजिकल एफिशिएंसी शारीरिक दक्षता एक अहमियत होता है, क्योंकि सबसे पहले डिफेंस में एग्जाम होने से पहले फिजिकल की टेस्ट होता है। फिजिकल की टेस्ट में जो कोई फेल हो जाता है वो पहले ही फेल हो जाता है, बाकी परीक्षा में बैठ नहीं सकता है। तो फिजिकल एक बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि इसी फिजिकल में ही आपको नौकरी मिल सकता है। इसी आपको हर टाइम कम से कम सुबह 1 घंटा और शाम को आधा घंटा कम से कम प्रैक्टिस करना चाहिए। यदि आप 5 किलोमीटर का रनिंग है, 5 किलोमीटर प्रैक्टिस कीजिए, 1600 हर बार रनिंग, सब कुछ का रनिंग प्रैक्टिस करना है। उसके साथ हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉट पुट थ्रो सब और 100 मीटर स्प्रिंट प्रैक्टिस कर रखना है, क्योंकि इसमें फिजिकल बहुत बड़ा अहमियत रखते हैं। यदि फिजिकल में आप पास होते हो फिर आप दूसरे एग्जाम दे सकते हो। इसलिए आप कुछ लड़के दिखा देते हैं यार, मक्कारगिरी करते हैं यार, सुबह उठ नहीं पाते हैं, बहुत बहाना बनाते हैं। इस बहाना करने से आपको ही लॉस होगा, आपका ही दिक्कत होगा। तो इसलिए आपको फिजिकल बरकरार रखना बहुत ही जरूरी है। जितना फिजिकल अहमियत रखता है उतना ही लिखित परीक्षा रिटर्न एग्जाम के भी उतना अहमियत रखता है। आप लोग को फिजिकल के साथ रिटर्न की भी तैयारी करना पड़ता है। जैसे उसमें क्या रहता है, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, जनरल रीजनिंग और इंग्लिश या हिंदी ग्रामर रहता है। तो आप लोग, कुछ लड़के को दिखाया गया है, वो लोग अच्छा फिजिकल करते हैं, वो सोच लेते हैं जो हमारा नौकरी आराम से हो जाएगा। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। आप लोग गलत फहमी हो रखा है, ऐसे नौकरी नहीं होने वाली, क्योंकि आप लोग अभी आजकल रिटर्न की तैयारी बहुत जोर शोर से करना पड़ेगा, नहीं तो आपका नौकरी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आप लोग बढ़िया से पढ़िए, नहीं आप लोग नहीं पढ़ पा रहे कोचिंग में ज्वाइन कीजिए, कहीं ना कहीं एकेडमी में ज्वाइन कीजिए, आप पढ़ाई कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग बिजी है, कहीं नौकरी करते हैं, कम से कम टाइम में निकाल के आप लोग पढ़ाई कीजिए, क्योंकि रिटर्न का हिम्मत बहुत ज़्यादा है। तो इसके साथ आज देखिए, 10th की एग्जाम देगी तो आप 10th लेवल की पढ़ना पड़ेगा, प्लस टू की एग्जाम देगी तो प्लस टू लेवल पड़ेगा, अगर ग्रेजुएट ऑफिसर लेवल तो ऑफिसर लेवल के लिए ग्रेजुएट लेवल पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए हर बार कॉम्बिनेशन सेम रहता है, जैसे जीके, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश हिंदी, उतना ही कॉम्बिनेशन रहता है। वो सब हायर लेवल का क्वेश्चन लेवल चेंज होता है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, फिजिकल के साथ आप लोग रिटर्न का तैयारी बराबर करना चाहिए। फौज में भर्ती होने के लिए अच्छा खान पान जरूरी है, क्योंकि अच्छा खाना खाएगा और स्वस्थ खाना खाएगा तो जो फौज के लिए भर्ती हो रहा है बहुत स्वस्थ रहेगा, अच्छा फिजिकल कर सकता है और एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकेगा। चलिए मैं खान पान के बारे में थोड़ा विस्तृत से बता। एम्प्लॉयमेंट न्यूज हर हफ्ते का आपको पढ़ना चाहिए। यदि आप लोग कोई भी नौकरी करना चाहते हो, आप लोग हर टाइम आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें से आप लोगों को मालूम पड़ जाता है भर्ती की एडवर्टाइजमेंट के बारे में, बहुत सारे भर्ती निकलता है। तो इसीलिए आप लोग हर हफ्ते का एम्प्लॉयमेंट न्यूज प्रिफर करना चाहिए, क्योंकि उसमें से आप कौन सा नौकरी कब निकलेगा, क्या है और उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको मालूम पड़ जाएगा। तो हर हफ्ते एम्प्लॉयमेंट न्यूज पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन ही एम्प्लॉयमेंट न्यूज आ जाता है, उसका PDF फाइल्स, उसका फाइल वगैरह आ जाता है। तो इसीलिए आप लोग हर हफ्ते इजीली पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए हर हफ्ते कोशिश कीजिए एम्प्लॉयमेंट न्यूज पढ़ने के लिए। आखिर में आ जाता है मनोबल। देखिए, कोई भी चीज करने से एक मनोबल ऊंचा होना चाहिए बोलते हैं, तो मनोबल बहुत एक अहमियत रखता है फौज की भर्ती के लिए। यदि आप कई बार इंटरव्यू देते हैं, आप फेल हो जाते हैं, मनोबल गिर जाता है, मनोबल मत गिराइए,
कोशिश कीजिए, आपको एक नहीं दोबारा चांस में कोशिश कीजिए, बार बार कोशिश कीजिए, बिल्कुल आप सक्सेस हो सकते हैं। कोई भी आदमी एक बार में बिल्कुल सक्सेस नहीं पा सकते, कोई भी कहीं भी रेयर केस में जो मिल जाता है इजीली, पर बाकी किसी को सक्सेस इतना इजीली नहीं मिलता है। तो बार बार इंटरव्यू दीजिए, बार बार एग्जाम दीजिए। यदि कोई भी एग्जाम निकलता है आप जल्दी से जल्दी डाल दीजिए, क्योंकि एक टाइम ड्यूरेशन होता है, जैसे 18 से 23 साल, 17.5 से 21.5 साल और 25 साल, उसी टाइम के बीच को आपको नौकरी करना है, क्योंकि उसके बाद आपको आप एलिजिबल नहीं रहोगे, ज़्यादा उम्र होने से आप एलिजिबल नहीं। तो इसीलिए आप लोग मेहनत कीजिए, क्योंकि उसी टाइम में आप मेहनत करेंगे और बाकी ज़िंदगी में खुशी से बिता सकते हैं। तो इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ, आप लोग यदि कोई भी भर्ती निकलता है आप जल्दी उसमें फॉर्म डाल लीजिए और ऑनलाइन आवेदन कीजिए। यदि फॉर्म में आवेदन कर दिए उसके बाद आप फिजिकल करना है, रिटर्न भी पढ़ना है, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा अहमियत रखता है। क्योंकि आप कुछ लड़के सोचते हैं यार देखेंगे जब कॉल लेटर आएगा, देखेंगे वो लेटर, बिल्कुल नहीं। जब भी फॉर्म डालने से पहले हर बार आप मेहनत कीजिए, जैसे आप मैट्रिक की पढ़ाई करते हैं, प्लस टू की पढ़ाई करते हैं, वैसे आप लोग थोड़ी सी पढ़ाई करके आराम से नौकरी कर सकते हो। तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, आप लोग मेहनत कीजिए। अभी बहुत सारे भर्ती आने वाला है, क्योंकि अभी जल्दी से जल्दी कोरोना का खत्म होने के बाद जल्दी से बहुत भर्ती आने वाले, इसीलिए मेहनत कीजिए और आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। आप लोग मेहनत करके नौकरी कीजिए। जय हिंद।